गुरुग्राम के सिकंदरपुर में हार्डवेयर की दुकान पर अचानक लगी आग से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और आसपास के दुकानदार भी चिंतित हो गए कहीं ऐसा ना हो आग उनकी दुकानों तक पहुंच जाए। आखिर किस तरह लगी थी आग और कैसे पाया गया काबू, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मनु मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम के सिकंदरपुर इलाके की एक हार्डवेयर शॉप पर शाम को 5 बजे अचानक फर्स्ट फ्लोर पर आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के दुकानदार भी चिंता में पड़ गए। उन्हें ये लगने लगा कहीं ऐसा ना हो कि आग एकदम से फैलती हुई नीचे तक आए और नीचे से आसपास के इलाके में फैल जाए। आग की सूचना तुरंत ही गुरुग्राम पुलिस और दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस की 2 ERV मौके पर पहुंच गई थी, साथ साथ दमकल विभाग की गाड़ी भी मौके पर आ गई थी। तुरंत ही दमकल विभाग की गाड़ी ने ऊपर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया था। गनीमत ये रही कि आग अभी नीचे तक नहीं आई थी, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ियों ने किसी भी तरह से हैमर से शीशे आदि तोड़कर तुरंत ही इसके अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया और इस आग को सिर्फ ऊपर तक ही सीमित रखा। कई बार ये भी लगा कि आग की लपटें अचानक एकदम से तेज़ हो जाती थी, ऐसे में आसपास के दुकानदारों का डर वाजिब था और यही वजह थी कि एकदम से भीड़ चारों तरफ से जमा हो चुकी थी। लोग बाग दूर से ये देख रहे थे, कुछ दुकानदार भी थे आसपास के, उन्होंने भी तुरंत ही अपने आसपास के शटर बंद करना शुरू कर दिए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आग की लपटें किसी भी तरह के उन तक पहुँचे। लेकिन गनीमत ये रही कि पूरी मशक्क़त के बाद यहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया। और सर, कितने बजे आप लोगों के पास सूचना आई थी? 5:02 के ऊपर सूचना आई थी 112 के, तो हम मौके पर पहुंच गए, 2 मिनट के अंदर ही पहुंच गए थे। कोई जनहानी तो नहीं हुई है किसी प्रकार? ना ना, कोई वो नहीं हुई। कोई जनहानी तो नहीं हुई है? ना ना, नहीं जनहानी कोई नहीं हुई। गनीमत यह है कि किसी प्रकार की कोई जनहानी नहीं हुई है, ये एक अच्छा वो है कि आग पर काबू पा लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है, पुलिस की 2 ERV तुरंत ही मौके पर पहुंच गई थी, जिससे लॉ एंड ऑर्डर को भी संभाल लिया गया था, लोगों को दूर कर दिया गया था, साथ साथ दमकल विभाग ने आग पर काबू पाना शुरू कर दिया था। ये गुरुग्राम की वो तस्वीरें हैं सिकंदरपुर इलाके की जहाँ पर आग लगी हुई थी। देख सकते हैं कि नीचे भी हार्डवेयर का पूरी तरह से काउंटर्स और सारा सामान इनका नीचे भी है, तो वहीं फर्स्ट फ्लोर पर भी इनका पूरा सामान रखा हुआ था। हालांकि सामान इस समय काफ़ी जलकर खाक हो चुका है, लेकिन ये जरूर है कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। हालांकि प्रारंभिक जांच में ये सामने आ रहा है कि ये जो आग है कहीं ना कहीं इसका कारण शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता है। कितनी देर लगी इस पे काबू पाने में? 5 या 7 मिनट में सर। अच्छा, कोई जनहानि कोई नुकसान तो नहीं? नहीं, जन की कोई नुकसान नहीं। क्या प्रारंभिक उससे लग रहा है कोई शॉर्ट सर्किट हो? शॉर्ट सर्किट ही है सर। दमकल विभाग के वो कर्मचारी हैं जिन्होंने आकर इस पर काबू पाया है और प्रारंभिक जांच में यही सामने आ रहा है कि इसमें कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर आग लगी है। लेकिन गनीमत यह है कि इस आग की कोई हताहत या किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि दुकानदार जो हैं उनका काफ़ी माल का नुकसान हो चुका है, लेकिन ये ज़रूर है कि किसी प्रकार के जानी नुकसान नहीं हुआ है। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मनु मेहता, गुरुग्राम न्यूज़।